नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कंटेंट पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ हमारी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की इनॉग्रल जर्नी की। दोस्तों आज, जैसे कि मैंने आपको कल वीडियो बना के बताया था कि हमारी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत लॉन्च होने जा रही है, तो वो लॉन्च हो चुकी है। कल मैंने आपको इसका पूरा रूट समझाया था और आखिर में रूट वही निकल के आया है IRCTC की ऑफिशियल साइट पे। मैं आपको भी फेयर बताऊंगा कितना फेयर इसका होने वाला है रूट में। साथ में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ट्रेन को हरी झंडी तो दिखाई ही और न्यू बंगईगांव, दुधनई और मंदी पथार रेलवे लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा कम्प्लीट हो गया। साथ में ही लमडिंग में एक न्यू कार शेड तैयार हुई जहाँ पर मेमू और DEMU ट्रेनों का होगा मेंटेनेंस का काम। चलिए अब IRCTC में देख लेते हैं इसका ऑफिशियल रूट और साथ में ही आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा इस ट्रेन में जर्नी करने के लिए। तो IRCTC के रेल कनेक्ट ऐप में गुवाहाटी से NJP के बीच में मैं सर्च करने जा रहा हूँ न्यू ट्रेन को। तो 31 मई मैंने इसमें डेट डाली है, वही सेम रूट है इसका जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। शाम को 4:30 बजे ये ट्रेन गुवाहाटी से चल के रात को 10 बजे पहुँच जाएगी न्यू जलपाईगुड़ी। तो रूट बिल्कुल सेम है। चेयर कार का प्राइस 1225 रुपये दिखा रहा है। बुकिंग शुरू हो चुकी है, ये ट्यूसडे को नहीं चलेगी और बाकी 6 के 6 दिन चलेगी और 2205 रुपये दिखा रहा है एग्जीक्यूटिव चेयर कार का। अब देख लेते हैं न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी के बीच में। तो यहाँ पर सुबह, जैसे मैंने आपको बताया था, 6:10 पर ये ट्रेन चलेगी, 11:40 पर गुवाहाटी पहुँच जाएगी। बिल्कुल सेम इसका रूट रहने वाला है और 1075 रुपये दिखा रहा है अभी चेयर कार का प्राइस, एग्जीक्यूटिव चेयर कार का दिखा रहा है 2025 रुपये। तो कुछ इस तरीके से इसकी प्राइसिंग रखी गई है। और आप लोगों को कैसा लगा नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस के रूट को देख करके? और क्योंकि 5.5 घंटे में सफ़र तय कर रही है और यहाँ पर राजधानी जो सबसे तेज थी उससे 1 घंटा कम ले रही है और इस रूट में अब सबसे तेज ट्रेन यही बन गई है, तो मुझे इसका रूट भी बेनिफिशियल लग रहा है और साथ में ही ट्रेन क्योंकि 1 घंटा और बचा रही है और राजधानी के बराबर इसका फेयर है इस रूट में, तो मुझे लगता है कि लोग जो राजधानी वगैरह या प्रीमियम ट्रेनों में सफ़र करते हैं या फिर यहाँ पर एक तेज ट्रेन भी चलती है, तो वो लोग अगर इसमें सफ़र करेंगे तो उनका 1 घंटा अगर बच रहा है तो बहुत ज़्यादा फायदे की उनकी बात होगी। तो दोस्तों, आप लोग अगर नॉर्थ ईस्ट से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोगों को कैसा लगा इनॉग्रल रन। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।